तो और कैसे हैं आप लोग? जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जाने वाले हैं बोंगाईगांव, और वो भी ट्रेन से। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते तो जब भी हम ट्रेन से जाते हैं तब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, तो आज भी करने वाले हैं वैसे ही। तो आज होने वाला है मतलब कैप्चरिंग रिएक्शन पार्ट टू। अगर पार्ट वन नहीं देखा है आपने तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DTX ब्लॉग्स। तो अभी हम जा रहे हैं मतलब स्टेशन की तरफ। अभी ट्रेन आने वाला है, तो अभी स्टेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो वेट करते हैं जब तक ट्रेन आता है। सो गाइस, पहला सिकार आगे में बैठे मतलब स्टेशन में, तो शूट करते हैं। सो अभी हम लोग फाइनली स्टेशन पे आ चुके हैं, स्टेशन मतलब जोगोपा स्टेशन पे है, तो थोड़ी देर में ट्रेन आने वाला है। हमको देख रहे चाचा। तो वेट करते हैं तब तक, ट्रेन आने दो, फिर ट्रेन में कैप्चर्स करेंगे। अच्छे अच्छे रिएक्शंस तो मिल रहे हैं, तो चलते हैं पीछे। सो फाइनली अभी हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं, तो बहुत सारे लोग भी हैं, तो शायद अच्छा रिएक्शन मिल जाए, तो लेट्स गो। तो चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा कैप्चर्स करते हैं रिएक्शन। सो फाइनली भी हम लोग रुके हैं मतलब जोगोपा स्टेशन पे, तो अभी देखते हैं कब तक ट्रेन यहाँ से निकलता है, और इतने पैसेंजर्स भी नहीं है ट्रेन में। सो इस वाले डब्बे में तो ज़्यादा रिएक्शंस मिले नहीं, बस दो शायद, हाँ था दो रिएक्शंस मिले। तो अभी चलते हैं दूसरे डब्बे में जाके देखते हैं, एक डब्बा चेंज करेंगे, और हर एक स्टेशन में हम लोग मतलब डब्बा चेंज करके देखेंगे। तो लेट्स गो। तो अभी रिएक्शन कर सकते हैं 23 डब्बे के, अगला स्टेशन आने वाले अभी आ गया है अभयपुरी स्टेशन, तो यहाँ पे आए हैं अभी हम लोग। तो देखते हैं यहाँ पे कितना दिन का होल्ड रहता है यहाँ पे, तो दूसरा स्टेशन यही है, तो वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ा देर। अभी शायद यहाँ पे भी क्रॉसिंग हो सकता है, क्रॉसिंग तो लगता नहीं होगा, पर देखते हैं अगर क्रॉसिंग हुआ तो। सो ये है अभयपुरी स्टेशन, अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं मतलब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभयपुरी स्टेशन। तो अभयपुरी से जो जो देख रहा है एक बार हैशटैग लिख देना अभयपुरी। तो अभी होल डे अभयपुरी स्टेशन में, तो थोड़ा देर अभयपुरी स्टेशन में रुकते हैं, फिर नहीं वाला यहाँ से शायद क्रॉसिंग है, तो वेट करते हैं। क्या मस्त मस्त रिएक्शन था, और देखो यार खिड़की में से भी रिएक्शन आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी तक ट्रेन कहाँ था, अभी तो कोई सिग्नल मिला है नहीं ट्रेन का, लेकिन रिएक्शंस मजे मजे वाले आ रहे हैं, अगले बार से ज़्यादा अच्छे रिएक्शंस आ रहा है इस बार। तो देखते हैं और कितने अच्छे अच्छे रिएक्शंस आते हैं, अभी तो स्टेशन का रिएक्शंस बाकी है। चाचा और रुकते क्या, रुकाता है ट्रेन, तो देखते हैं। तो इस वाले स्टेशन मतलब डब्बे में तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी तक वीडियो को भी कितना अच्छा रिएक्शन आया, पर आया होगा शायद कुछ। तो अभी चलते हैं दूसरे डब्बे में, स्टेशन में होल्ड है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कैसे रिएक्शंस आते हैं। सो अभी यहाँ का होल्ड ख़त्म, अभी चलते हैं आगे, रिएक्शंस कैप्चर करते हैं।
देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। अच्छे खासे तो लोग है यहाँ पे, भी अपने आईने में देख रहा हूँ। तो अभी तो माचगांव स्टेशन से ट्रेन छोड़ मतलब निकल चुका है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे ही है ट्रेन में है, रिएक्शन भी तो उतना है नहीं। तो अभी माचगांव स्टेशन से ट्रेन जो है वो निकल चुका है, तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है अभी गोवा, तो आने वाला है नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट स्टेशन है गोवा, तो वेट करते हैं तब तक। इस वाले डब्बे में तो देखा आप लोगों ने कैसा रिएक्शन आया, तो मतलब ज्यादा मतलब जो रिएक्शन है वो ये मतलब ट्राइपॉड के वजह से आ रहे हैं। मतलब जब मैं फोन से ऐसे ब्लॉक करता हूँ तो ज्यादा लोग नहीं देखते, लेकिन जो ज्यादा रिएक्शन है वो आ रहे हैं ट्राइपॉड के वजह से। तो अभी बोंगाव स्टेशन आने वाला है, तो बोंगाव स्टेशन में भी शूट करेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, तो शायद रिएक्शन भी अच्छे मिल जाए। और यहाँ का व्यू देखो यार, पहाड़ी पहाड़, क्या मस्त, और मौसम भी क्या मस्त किया है ना आज। सो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोंगाईगांव स्टेशन पे, तो यहाँ पे भी अच्छे रिएक्शन मिल जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। स्लो है बहुत, उतर सकते हैं पर नहीं उतर नहीं सकते हैं, समझ रहे, करके भी नहीं कर सकते हैं। अगर ब्लॉग गलती से भी मम्मी ने देख लिया ये वाला, तो मतलब आज का रात इसी स्टेशन में मुझे गुजारना पड़ेगा। तो चलते हैं, तो गाइस फाइनली भी हम लोग आ चुके हैं बोंगाईगांव स्टेशन पे, तो देखते हैं यहाँ पे कितना अच्छे रिएक्शन आते हैं। पता नहीं पीछे तो मैं देख सकता नहीं हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, तो पता है मतलब देखते रहो कितना रिएक्शन आते हैं, और ऊपर से मैं आगे मार्क भी कर दूंगा, तो आगे और भी ज्यादा भीड़ है आप लोग देखो, तो आगे देखते हैं कितना आता है रिएक्शन। तो चलते हैं आगे, और ये बांसुरी वाले चचा जो बांसुरी बजाते हैं, तो आगे देखते हैं कितने चचा लोग देखते हैं हमको बच्चा समझ के, तो चलते हैं। और ट्रेन तो यहाँ पे लास्ट स्टॉप था ट्रेन का, तो यहाँ पे रुक चुका है। पहले तो यहाँ से सीढ़ी था, अभी ये सीढ़ी को तोड़ दिया है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, सर लिफ्ट लगेगा यहाँ पे, और अभी कितना ऊपर जाना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, जितना भी मतलब रिएक्शन आ रहा था सब तो आ ही गया। तो और ऐसे में बोंगाईगांव आया था कुछ काम से, और ऐसे में ट्रेन में तो कुछ भी बग रहा था क्योंकि मुझे रिएक्शंस कैप्चर करना था। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।